माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मींस इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्टिंग से एंड तक जो भी पीरियड्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है ये स्टार्ट हुआ था ओल्ड एज से, जिसे हम कह सकते हैं डार्क एज, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और जो इस समय जो चल रहा है मॉडर्न एज, यहाँ तक इसकी स्पीड पहुँच चुकी है। तो इसके थ्रू हम सभी पीरियड्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे डीपली। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एलिजाबेथन एज है तो एलिजाबेथन एज में कौन कौन से पोइट्स थे, उनके कौन से इम्पोर्टेंट वर्क थे, उनके टाइम में किंग कौन था, ये सब कुछ देखेंगे बारीकी से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं नंबर एक, अप टू 450 डार्क एज, स्टार्टिंग से 450 सन तक ये था डार्क एज, या कह सकते हैं ओल्ड एज, मींस डार्क एज था। डार्क एज कैसे, ये तो था डार्क, उसके बाद आता है 450 से 1066 ओल्ड इंग्लिश, जिसे हम कह सकते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। 450 से 1066 तक जो ओल्ड इंग्लिश चला था, इसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते थे। और आपको याद होगा जब मैंने एपिक्स पढ़ाए थे तो उसमें बताया था एक बियोबल्फ एपिक था, सबसे पुराना एपिक, जिसके बारे में ये नहीं पता है कि वो कंपोज किसने किया है, मींस उसके राइटर अननाउन है। बट हाँ ये पता है कि बियोबल्फ एक एपिक है। तो ऐसे ही एंग्लो सैक्सन पीरियड का वो एपिक है। फिर आता है 1066 से 1500 तक, इसे हम बोलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड, और इसे और क्या बोलते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये तो था हमारा सब ओल्ड एज, स्टार्टिंग होती है नंबर दो रिनेसा, यहां से देखते हैं रिनेसा या रिनेसेंस, जिसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण काल। ये स्टार्ट हुआ था 1500 से, ये चला था 1660 तक, 1500 से लेकर 1660 तक ये था रिनेसेंस। तो ये तो एक पूरा पीरियड हो गया, एक एज इरा। और इसके थ्रू आते क्या क्या हैं, एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड और प्यूरिटन, और ये इंटीग्रम, जिसमें ये किंग्स लिखे हुए हैं। तो इन्हें देखते हैं डीपली। सबसे पहले आता है 1558, यहाँ से 1603 तक, इस काल को बोलते हैं एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में जो क्यून एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की रानी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया था एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज में मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स हुए थे, अगर नाम लिया जाए तो सर फिलिप सिडनी थे, क्रिस्टोफर मार्लोक थे, एडमंड स्पेंसर थे, विलियम शेक्सपियर भी एलिजाबेथन एज के थे, और बेन जॉनसन के थे। ये ऐसे पोइट्स हुए हैं जिन्होंने बहुत महान वर्क लिखे हैं। इस शेक्सपियर की बात की जाए तो वो तो महान ड्रामाटिस्ट हैं, जिन्होंने 37 प्लेस लिखे हैं, 154 सोनेट्स कंपोज किए हैं, नैरेटिव पोएम्स भी कंपोज किए हैं। उसके बाद आता है जैकोबिन एज, जो स्टार्ट हुआ था 1603 से और चला था 1625 तक, 1603 से 1625 तक चला था जैकोबिन एज। जैकोबिन एज में किंग हुए थे जेम्स फर्स्ट, और जेम्स फर्स्ट के समय में जैकोबिन एज में इसमें भी बहुत महान पोइट हुए हैं, जैसे कि फ्रांसिस बैकन, जो एक महान निबंधकार थे जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं, और जॉन डन थे, जॉन फ्लेचर थे, जॉन बेबस्टर थे, और वो एक थे क्या नाम है, जॉर्ज चैपमैन, वो भी थे। तो ये सब थे जैकोबिन एज के, इन्होंने बहुत महान रचनाएं की हैं। फ्रांसिस बैकन की बात की जाए तो इन्होंने तो एसे के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इसीलिए इन्हें बोलते थे फादर ऑफ इंग्लिश एसे। और इन्होंने बहुत सारे एसे लिखे हैं, जॉन डन ये तो मेटाफिजिकल पोइट हैं, बहुत सारी अच्छी पोएम्स लिखी हैं इन्होंने। इसके बाद फ्लेचर, जॉन बेबस्टर, ये भी बहुत अच्छे नॉवलिस्ट थे। इस तरह से अब आते हैं ये 1625 से 1649 तक, ये चला था कैरोलाइन एज।
इस पीरियड में किंग थे चार्ल्स फर्स्ट, ये भी बहुत अच्छा एक एज है। इस एज में पोएट हुए थे, सबसे पहले नाम आता है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन हुए थे जो कि एक महान पोइट थे, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंट ये सब कंपोज किए थे। फिर आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी थे, जॉर्ज बर्टन थे, सर थॉमस ब्राउन थे, ये सभी आते हैं कैरोलाइन एज में। उसके बाद आगे आता है कॉमनवेल्थ पीरियड, जैसे बोल सकते हैं प्यूरिटन इंटेग्रनम। ये स्टार्ट हुआ था 1649 में और 1649 से चला था 1660 तक, 1649 से 1660 तक ही चला था कॉमनवेल्थ पीरियड। और इसमें जो किंग था, इसमें दो किंग थे, ऑलिवर क्रॉमवेल और रिचार्ड क्रॉमवेल। मेन तो थे ऑलिवर क्रॉमवेल, जिनके समय में जॉन मिल्टन ने कोई सर्विस प्राप्त हुई थी ना लैटिन भाषा के लिए, और इनके समय में बहुत सारे महान पोइट हुए हैं इसमें भी। जैसे इनके अगर नाम लिए जाएँ तो जॉन मिल्टन इसमें भी आते हैं, और सर थॉमस ब्राउन हैं, हेनरी वेगन हैं, अब्राहम काउले हैं, एंड्रू मार्वेल हैं, ये सब इसी पीरियड में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रिनेसेंस एज, जिसमें कि रिनेसेंस एज में वैसे तो होता है 1500 से लेकर 1660 तक, इसे बोलते हैं रिनेसेंस, बट इसी में थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया गया है। तो एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड, इन सब में डिवाइड किया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, कोई सा भी हो, के जैकोबिन एज ये कब से कब तक चला था, ये कब स्टार्ट हुआ था, कब इसका एंड हुआ था, इसमें किंग कौन था, इस एज में पोइट कौन कौन से थे, ये सब आ जाता है इसमें। तो इसके बाद आगे देखते हैं अगला पीरियड, इसके बाद आता है द न्यू क्लासिकल पीरियड। जिस तरह से हमने देखा था अभी रिनेसा, हमने देखा था कि रिनेसा ये भी इन एज में डिवाइड था, एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड, इन सब में डिवाइड था। जिस तरह से ये डिवाइड था, उसी तरह से हमारा न्यू क्लासिकल पीरियड डिवाइड है। ये भी डिवाइड है, इसमें कौन कौन से आते हैं, द रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं, द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन ये भी बोलते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसे, न्यू क्लासिकल पीरियड ये चला था 1660 से 1798 तक, 1660 से 1798 तक चला था द न्यू क्लासिकल पीरियड। अब इसके थ्रू कौन कौन से पीरियड आते हैं वो देखते हैं। नंबर एक, द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड में क्या होता है, इसकी डेट थी 1660 से 1700, 1700 तक, 1660 से 1700 तक था द रेस्टोरेशन पीरियड। इस पीरियड में किंग थे चार्ल्स सेकेंड, और इस पीरियड में जो पोइट हुए थे, एक थे सर जॉर्ज एथर्ज, विलियम कनग्रीव, जॉन ड्रैडन, ये सभी रेस्टोरेशन पीरियड में आते हैं। और कनग्रीव का तो नाम सुना ही होगा आपने, जिन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वगैरह ये कंपोज की थी, लिखी थी, ये थे। अब उसके बाद आता है नंबर अगला, ऑगस्टन पीरियड। ये स्टार्ट हुआ था 1700 में, ये चला था 1745 तक, 1700 से 1745 तक चला था द ऑगस्टन पीरियड। ऑगस्टन पीरियड में सबसे महान पोइट थे एज ऑफ एलेक्जेंडर पॉप, जिसे बोलते हैं एलेक्जेंडर पॉप थे, इन्हीं के नाम पर ऑगस्टन पीरियड को एज ऑफ एलेक्जेंडर पॉप भी कहते हैं, एज ऑफ पॉप। ये क्वेश्चन आ जाता है, विच एज इज नाउन एज द एज ऑफ पॉप, तो क्या आता है ऑगस्टन पीरियड, या ऐसे आ सकता है ऑगस्टन पीरियड इज ऑल्सो नाउन एज, तो क्या हो जाएगा द एज ऑफ पॉप, ये हो जाएगा। और इसमें और पोइट्स कौन कौन थे, एलेक्जेंडर पॉप एक तो ये हैं, और इसके अलावा थे जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, डेनियल डेफो, ये सभी आते हैं ऑगस्टन पीरियड में। उसके बाद आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये स्टार्ट हुआ था 1745 में, ये चला था 1798 तक, 1745 से 1798 तक चला था द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसे बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, और बोलते हैं एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। जिस तरह से ऑगस्टन पीरियड में सबसे महान थे पॉप, तो इसका नाम पड़ गया एज ऑफ पॉप, ऐसे ही ये है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसमें सबसे महान थे डॉक्टर जॉनसन, तो
तो इन्हीं के नाम पे पड़ गया एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ट्रांजिशनल के नाम से याद आता है, ट्रांजिशनल पोएट जिसे हम बोलते हैं थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे जो थे एक ट्रांजिशनल पोएट थे, परिवर्तनकारी कवि। इनके एज में ऑगस्टन पीरियड में तो किंग था जेम्स सेकेंड, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी ट्रांजिशनल पीरियड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन इसमें थे विलियम थर्ड और सेकेंड, ये भी थे, और मैरी सेकेंड, ये सब थे थोड़ा टाइम के लिए, ये सभी थे 1745 से 1798 तक एज ऑफ सेंसिबिलिटी में। और इसके अगर पोइट की बात की जाए एज ऑफ सेंसिबिलिटी में, तो डॉक्टर जॉनसन है, पहला नाम तो इन्हीं का आता है, डॉक्टर जॉनसन है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं, जेम्स बॉसवेल हैं, विलियम कॉलिंस हैं, थॉमस ग्रे हैं, ये सभी आते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड बोलें या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो फ्रेंड्स ये सब था न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में। तो हमने अभी क्या देखा, रिनेसा वो एज चला था 1500 से लेकर 1660 तक, फिर आया न्यू क्लासिकल ये चला था 1660 से 1798 तक, इसके थ्रू जो एज आते हैं वो भी देखे। अब आगे देखते हैं हम रोमांटिक पीरियड, इसके बाद आता है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक का नाम आते ही या रोमांटिक पीरियड का नाम आते ही दिमाग हमारे आ जाता है लायरिकल वैलेट्स, क्योंकि लायरिकल वैलेट्स जो कि कंपोज्ड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस्ट्री कॉलरेज ने, उसी से स्टार्टिंग हुई थी रोमांटिक पीरियड की। तो रोमांटिक पीरियड ये स्टार्ट हुआ था 1798 से 1837 तक चला था। तो हुआ क्या था, 1798 में 1837 तक ये था रोमांटिक पीरियड, और इसमें किंग थे किंग जॉर्ज थर्ड। और रोमांटिक पीरियड के पोएट कौन कौन से हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। रोमांटिक पीरियड में जो हमारे पोएट थे उनमें सबसे पहले नाम आता है, रोमांटिक पीरियड के जो पोएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस्टिक कॉलरेज, सर वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक, पी वी सैली के साथ आता नाम जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलेट, थॉमस डे क्यूंसी, लीग हंट, जेन ऑस्टन, मैरी सैली। तो ये नाम आते हैं जिनमें फेमस थे विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलरेज, जॉन कीट्स इनके साथ, पी वी सैली, तो पी वी सैली की सिस्टर मैरी सैली, और चार्ल्स लैम का नाम तो वैसे फेमस है, जिन्हें हम कहते हैं इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे थे, जैसे कि फ्रांसिस बैकन उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ऐसे ही चार्ल्स लैम को कहते हैं द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो क्या हुआ कि 1798 में स्टार्ट हुआ था रोमांटिक पीरियड, ये चला था 1837 तक, किंग जॉर्ज थर्ड इसके इस पीरियड में किंग थे, और जो महान पोइट थे इसके वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन में क्या हुआ, 1837 में ये शुरू हुआ था, 1901 तक चला था ये विक्टोरियन पीरियड, और ये रानी थी वहां की क्वीन विक्टोरिया के नाम से पड़ा था इसका नाम विक्टोरियन पीरियड। और जैसे ही नाम आता है विक्टोरिया या विक्टोरियन पीरियड का, तो दो पोइट महान पोइट हैं जिनका ध्यान आ जाता है, जैसे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। और जो नाम आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, तो उनकी बीवी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो बात की जाए इसके सभी पोइट्स की, तो इसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, थॉमस कार्लाइल हैं, जॉन रस्किन हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, थॉमस हार्डी हैं, ये सभी हैं इसमें क्वीन विक्टोरिया वाले विक्टोरियन पोइट में। जब थॉमस हार्डी का नाम आता है, थॉमस हार्डी एक ऐसे नॉवलिस्ट या पोइट माना जाता है, इन्हें नॉवलिस्ट भी थे पोइट भी थे, ये कह सकते हैं लास्ट विक्टोरियन थे और स्टार्टिंग के मॉडर्न एज के थे। तो ये था विक्टोरियन पीरियड के बारे में। आगे देखते हैं प्री रेफलीट्स पीरियड के बारे में, ये स्टार्ट हुआ था 1848 से, ये चला था 1860 तक। प्री रेफलीट पोइट्स जो थे उनके बीच में जो, मतलब एक तो होता है प्री रेफलीट पोइट्स, और एक टर्म आती है प्री रेफलीट ब्रदरहुड, वो ब्रदरहुड इन्हीं के तीन के नाम पे चली थी, एक थे डीजी रोसेटी, फिर नाम आता है विलियम हॉलमैन हंट, एक नाम था जॉन मिलियंस। तो ये सब नाम थे
इन्हीं को बोलते हैं हम प्री रैफलीट ब्रदरहुड, और यही सब इसी पीरियड में थे। फिर आता है 1901 से 1945 तक का मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जब आया था तब थे एडवर्ड सेवंथ, ये किंग थे इंग्लैंड के, ये किंग जो थे इन्होंने सिंहासन रूल हुए थे ये 1901 में, 1901 से 1910 तक, ठीक। और उसके बाद मॉडर्न पीरियड में उसके बाद फिर क्या हुआ, ये 9 साल तक रहे, फिर आए जॉर्ज फिफ्थ, वो हुए 1910 से 1936 तक, ठीक। उसके बाद आए एडवर्ड यर्थ, ये जो है 1936 से 1936 ही तक रहे, कह सकते हैं 20 जनवरी 1936 से 11 दिसंबर 1936 तक, राइट। तो ये इतने समय तक रहे थे, एटमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं जनवरी से दिसंबर तक, वही 10, 11 महीने 12 महीने जो भी बैठे। और उसके बाद आते हैं जॉर्ज सिक्स, जॉर्ज सिक्स जो राजा थे वो 1936 से 1952 तक। फिर बात आती है एलिजाबेथन पीरियड की, सॉरी एलिजाबेथन की, जो एलिजाबेथ हैं ये प्रेजेंट टाइम में है, 1952 में ये सिंहासन पर बैठी थी और प्रेजेंट टाइम में ये इसी समय महा की महारानी हैं। तो ये मॉडर्न पीरियड था ये। तो मॉडर्न पीरियड की बात की जाए, इसमें पोएट कौन कौन से थे, डब्ल्यू बी ईट्स हैं, टी एस एलियट हैं, डब्ल्यू एच ऑडन, रॉबर्ट ग्रेव्स, जोसेफ कोनार्ड, जेम्स जोयस, डी एच लॉरेंस, डोरोथी रिचार्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, ई एम फॉस्टर, ग्राहम ग्रीन, जीविसा, जॉन गाल्सवर्थी, हेनरी जेम्स, ये सभी नाम आते हैं मॉडर्न पीरियड में। अब आता है लास्ट हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म, इस समय जिसका हम सामना कर रहे हैं, जिस टाइम में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ये 1945 से स्टार्ट हुआ था और ये अब तक स्टार्टिंग में, मतलब अब तक ये कंटिन्यू चल रहा है, और ये सब बताए दिए ये सब थे। और इस पीरियड में जो पोइट हैं वो जैकस डेरिडा हैं, मिचेल फॉकट नाम के हैं एक, और जीन फ्रांकियस ये भी हैं। तो ये सब आते हैं इस पीरियड में। तो फ्रेंड्स, ये था पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टिंग से लास्ट तक, और इसे हमने डीपली देखा कम टाइम में। एक बार और नए डालते हैं जनरल व्यू। सबसे पहला था डार्क एज, और उसके बाद आया ओल्ड एज, फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड, ये सब थे। इसके बाद जो आया था रनेसा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज है, इसमें हमने देखा कि ये एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, कैरोलाइन एज, कॉर्नवेल्थ पीरियड, इन सब में डिवाइड था, स्टार्ट हुए थे, इनकी डेट ये लिखी हुई है। उसके बाद आया था द न्यू क्लासिकल पीरियड, ये डिवाइड था रेस्टोरेशन पीरियड में, ऑगस्टन पीरियड में, एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो ये रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसमें डिवाइड था। और लास्ट में देखा था कि रोमांटिक पीरियड, द विक्टोरियन पीरियड, द प्री रैफलीट्स पीरियड, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरा, ये पूरी जानकारी हमारी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, कि इंग्लिश लिटरेचर कब से स्टार्ट हुआ और कब तक ये चला था। तो इसे हमने देखा डीपली से, क्योंकि हर एग्जाम में मोस्टली टीजीटी पीजीटी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एज ऑफ पॉप इसे किस नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं जैकोबिन एज में कौन कौन से पोइट थे, जैकोबिन एज कब से कब तक शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था, कब तक ये चला था, इसकी एज लिमिट क्या है, या किस कौन सा पीरियड है, कौन से पीरियड में कौन से पोइट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और ये सब हमने इसके थ्रू देखा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।